ओके तो आज का टॉपिक जो है लास्ट टू टॉपिक्स हम लोग करेंगे। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग लास्ट टू टॉपिक्स करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सी नंबर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, किस लिए जो है आपको स्ट्रेस होता है, कारण क्या क्या होते हैं। तो हम लोग ये दो दो टॉपिक्स हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है, एमबीओ और कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। सो लेट्स गो देयर नाउ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इट्स एमबीओ, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू किया जाता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के वजह से किया जाता है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा यू नो एक अपर हैंड दे करके इसको समझाने की कोशिश की गई है कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या प्ले है, क्या रोल है ऑब्जेक्टिव्स का किसी भी मैनेजमेंट में। देखो, जब भी हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो उस काम का कोई ना कोई आउटकम होता है। आपको पता है कि अगर मैं इस काम को करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आपका एक्चुअली उद्देश्य है उस काम को करने का, आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी उस काम को आप कर रहे हैं, नहीं तो आप क्यों करने जाएंगे, है ना। सो मैनेजमेंट में भी जो काम होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी उद्देश्य के तहत होते हैं। दैट इज वाई वी से मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बट इसको हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो द डेफिनेशन इज, नाउ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच, है ना। क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच, वेयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर कलेक्टिवली सॉरी कोलैबोरेटिवली सेट बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे स्पेसिफिकली इस बात पे एक्चुअली स्ट्रेस डाला गया है कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है जहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं दोनों कोलैबोरेटली एक दूसरे के साथ कोलैब करते हुए जो भी उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं या फिर इंडिविजुअल गोल्स हैं, उनको वो लोग अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं, एक साथ अप्रोच करते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पहला लाइन, ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है अप्रोच है जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स कोलैबोरेटिवली परफॉर्म किया जाता है, किसके द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा और एम्प्लॉइज के द्वारा, दोनों साथ में मिल करके करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि एमबीओ क्लियर हो गया होगा। अगला है उसका एलिमेंट्स। अब जब हम गोल सेट कर रहे हैं तो क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उसको एक्चुअली इन्फ्लुएंस करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चार ही एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बट 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सो गोल सेटिंग, सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना होता है, चाहे वो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव हो। ये तो स्पेसिफिक एक फिनोमिना बता दिया गया कि ये एमबीओ है, बट किसी भी काम में या मैनेजमेंट पे के किसी भी एक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव का होना बहुत जरूरी है, बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना। सो वो बात है। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमबीओ एज वेल। सो क्लियर स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही क्लियर क्लियर कट आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, बहुत ही स्पेसिफिक और चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको आसान सा बता दिया गया, कोई ना कोई चैलेंजिंग वर्क ही आपको मिलेगा जहां पे आप कोलैबोरेट करके मैनेजर के साथ इंप्लॉइज साथ में मिलकर के उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्लियर स्पेसिफिक चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच एम्प्लॉय, अलाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखो, जब यहाँ पे इंप्लॉय कुछ अच्छा करेगा तो डेफिनेटली उसको उसके परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। सो उसके इंडिविजुअल गोल्स भी पूरा हो रहा है साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पे बोला भी गया है कि अलाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ओवरऑल गोल है दोनों का, इंप्लॉय का और मैनेजमेंट का, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा हो। लेकिन साथ ही साथ जब वो गोल पूरा हो रहा है तो जो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैनेजमेंट के तहत जिस इम्प्लॉय को वो काम दिया गया है उसको भी उस चीज का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किसी को रिवॉर्ड भी दे रहे हो एज पर देयर एक्टिविटी और एज पर देयर एंथुजियास्टिक अप्रोच उस काम को करने का, ठीक है। दूसरा है पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन तो होना बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन तो खैर होगा ही। जस्ट अ सेकेंड, मेरा बैटरी सेवर। ओके, सो पार्टिसिपेशन, इंप्लॉइज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंप्लॉइज जो होते हैं, देखना जब भी हम लोग कहीं काम करते हैं ना, तो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, मेरा टारगेट तो रहेगा कि मैं उसके लिए काम करूं, उसकी भलाई के लिए काम करूं, बट साथ ही साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए क्या कर रही है, मुझे कितनी सैलरी मिल रही है या फिर मुझे कैसा रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या मेरे एफर्ट को कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सो ये एक अपनी थिंकिंग भी जो है वो आपके साथ ही साथ चलती रहती है। तो वही बात बोला गया है कि इंप्लॉइज जो होते हैं बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने से रिलेटेड किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए,
ठीक है, इन सेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स व्हिच लीड्स टू अ सेंस ऑफ ओनरशिप, जिसके तहत आपका जो है आपके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा। देखो, जब आपको आपके काम के लिए क्रेडिट मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कि आपको उस चीज का ओनरशिप दिया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये काम तो आप ही ने किया है और आप ही के वजह से हुआ है। तो एक तरह से आप वो क्लेम कर सकते हो ना कि ये काम तो मैंने किया था। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप आपके अंदर आती है, और साथ ही साथ इस चीज के आने के कारण एक कमिटमेंट भी है जो है आपके अंदर आता है कि चलो काम मैंने किया, मुझे रिवॉर्ड मिला, तो अगली बार मैं और अच्छे से काम करूंगा तो मुझे और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। सो पार्टिसिपेशन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है दोनों का, एम्प्लॉयज का भी और जो मैनेजर होता है उसका भी, जो मैनेजमेंट होता है उसका भी। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो लाइक परफॉर्म तो एम्प्लॉयज को ही करना है, मैनेजर्स को तो सिर्फ बताना होता है। खैर, तो पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो एलिमेंट है वो है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो जो जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको मॉनिटर किया जाएगा कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ अगर आप गड़बड़ करते हो, कुछ अगर आप इधर उधर करते हो, तो फिर आपको वहां पे उसी टाइम फीडबैक भी दिया जाएगा। चौथे नंबर में फीडबैक है, बट ये इसका एक तरह से दोनों इंटर रिलेटेड है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में फीडबैक साथ में आते रहता है, ठीक है ना, रिवॉर्ड आखिर में मिलता है बट फीडबैक साथ में आते रहता है। क्योंकि जब आप किसी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हो और किसी का परफॉर्मेंस अगर नीचे गिर रहा है, तो आप उसको उसी टाइम बताओगे कि भाई ये प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप फीडबैक दे रहे हो, दैट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक, काइंड ऑफ क्या, वो फीडबैक ही है, ठीक है। तो ये एक साथ करना चाहिए था, रिवॉर्ड अलग करना चाहिए था, बट इट्स ओके। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स इज रेगुलरली रिव्यूड एंड मेजर्ड, ठीक है। आपका जो प्रोग्रेस है आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसको रेगुलरली देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है, और साथ ही साथ उसको मेजर भी किया जाता है। जैसे सपोज कल आपने 10% काम किया, तो अगले दिन आपको डेफिनेटली 20% काम तो कंप्लीट करना ही चाहिए, है ना। सो मेजर भी किया जाता है। साथ ही साथ चौथा नंबर पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक एक्चुअली इसके साथ ही रिलेटेड है, आप बोल सकते हो, ठीक है। सो मैनेजर्स प्रोवाइड फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। मैनेजर्स क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और रिकॉग्निशन भी देते हैं एज पर योर परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बस समझना है। सो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ये रहा। अगला है टॉपिक हमारा कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो इन जनरल लाइफ जो हमारा स्ट्रेस का कारण है, बहुत सारा हो सकता है। पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं है, स्ट्रेस हो जाएगा। घर में थोड़ा लफड़ा चल रहा है, वहां से स्ट्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेस इज लाइक परमानेंट, मेरे हिसाब से स्ट्रेस जो है परमानेंट होता है, और हैप्पीनेस जो है कभी कभी आता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। सो कॉजेज ऑफ स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। क्या क्या है, हालांकि यहाँ पे वर्क लाइफ के बारे में बोला जा रहा है, वर्क स्पेसिफिक चीजों के बारे में बोला जा रहा है, तो वर्क के रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। सो स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड देयर वर्क एनवायरमेंट, लीडिंग टू इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेन। बहुत ही अच्छी बात बोली गई, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया गया है कि जो वर्क प्लेस में स्ट्रेस होता है वो जनरली जनरली इंडिविजुअल्स के साथ जो आपका इंटरेक्शन होगा, जो बंदा आपका पार्टनर है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी, तो आपके ऊपर स्ट्रेस आना लाजमी है। तो जो इंटरेक्शन आपका इंडिविजुअल्स के साथ में हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, अगर बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बॉस गालियां दे रहा है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी आपको स्ट्रेस होगा। प्रेशराइज किया जा रहा है आपको कि नहीं, आपको इस काम को जल्दी करना है, भाई नहीं हो सकता जल्दी, फिर भी आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, सो उस चीज में स्ट्रेस देखने को मिलता है। अब इस चीज के कारण क्या होता है, लीडिंग टू इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेन, मतलब आप खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेन, ठीक है ना। सो वो चीज जो है आपको देखने को मिलती है। सो स्ट्रेस के कारण ये सारी चीजें जो है। और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कारण बताया गया है एक्सेसिव वर्कलोड, है ना, आपको काम ही बहुत ज्यादा दे दिया गया। एक दिन में सपोज आपको दो फाइलें करनी है, दो फाइल आपको कंप्लीट करना है, आपको तीन चार पांच फाइल दे दिया जा रहा है कि भाई आपको करना होगा, नहीं करोगे तो सैलरी कट हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे आपका असर पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है ना। सो अब पता है कि एक्सेसिव वर्क है, लेकिन फिर भी आपको दे दिया जा रहा है, तो जब ऐसा होगा तो आपके ऊपर स्ट्रेस होना लाजमी है। आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, घर आ रहे हो, फिर घर पे भी काम कर रहे हो, है ना, तो स्ट्रेस हो जाता है। सो हैविंग टू मच वर्क टू अ लिमिटेड टाइम, है ना, बहुत सारा काम है वो भी आपको लिमिटेड टाइम में ही पूरा करना है, कैन बी ओवरवेलमिंग एंड लीड टू स्ट्रेस। ओवरवेलमिंग इज लाइक आप संभाल नहीं पा रहे हो खुद को, इतना ज्यादा काम मिल गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस चीज के कारण जो है आपको स्ट्रेस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कंट्रोल, अगर आपका कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर कि क्या करना है नहीं करना है,
अब देखो बॉस काम देगा तो आप ना भी तो बोल सकते हो, लेकिन कई लोग हाँ हाँ मिला करके बस करने लग जाते हैं। सो इट इज नॉट सो गुड, जितना जरूरी है जितना हो सकता है उतना ही करना चाहिए। सही, ठीक है। सो लैक ऑफ कंट्रोल, आपका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है या फिर आपका यू नो डिसीजन मेकिंग कैसा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके स्ट्रेस का। सो इम्प्लॉयज हु हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर देयर वर्क, जिनका कंट्रोल अपने वर्क के ऊपर काफी कम होता है और डिसीजन मेकिंग जो रहता है उनका थोड़ा सा यू नो सही नहीं हो पाता है, तो उस चीज के कारण भी आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा है जॉब इनसिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा रीजन है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि आपको वर्कलोड बहुत ज्यादा मिल गया और आपने उस काम को नहीं किया, फिर आपने मना कर दिया, तो जॉब इनसिक्योरिटी तो होना लाजमी है। आप अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे तो हो सकता है आपको ये बात का डर लगे कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि मुझे जो है निकाल दिया जाए, कोई सब्सटीट्यूट जैसे ही मिलेगा हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए। तो जॉब की इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा स्ट्रेस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, खासकर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। सो फियर ऑफ जॉब लॉस और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर। ठीक है। सो ये एक एलिमेंट है स्ट्रेसर, तो इसके कारण से जो है आपको स्ट्रेस हो सकता है जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से। सो द फोर्थ पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तो लाजमी है, जहाँ पे ढेर सारे बर्तन होंगे आवाज तो होगी ही। तो ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज हैं, साथ में आपके कलीग्स हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स विदर विद कॉलीग्स और सुपरवाइजर्स कैन लीड टू स्ट्रेस। ठीक है। फिफ्थ है वर्क लाइफ बैलेंस। जब आप वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपका वर्क लाइफ आपके जो रियल लाइफ है उसको आपको जो है इफेक्ट कर रहा है, मतलब ऑफिस में आपने 8 घंटे काम किए, फिर घर में आकर के अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, तो आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। जब भी बैलेंस बिगड़ता है तो स्ट्रेस होता है। ठीक है। सो डिफिकल्टी बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैन रिजल्ट इन स्ट्रेस। छठा है रोल एम्बिग्युइटी। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई काम बता दिया गया पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस काम को करना कैसे है, मतलब आपका रोल डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको इसी काम को करना है, कभी ये काम कभी वो काम कभी ऐसा काम कभी वैसा काम, तो आप बहुत एम्बिगुएस हो उस चीज को लेकर के, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। सो रोल एम्बिग्युइटी के कारण भी स्ट्रेस होता है। यहाँ पे बोला गया अनक्लियर जॉब एक्सपेक्टेशन, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपका स्पेसिफिक अगर कोई डिग्री है कोई नॉलेज है तो आपको वही काम मिलना चाहिए, बट अगर आपको बहुत ज्यादा रोटेट किया जा रहा है, कभी ये काम कभी वो काम कभी ऐसे काम कभी वैसे काम, तो आपका जो रोल है होगा वो क्या होगा, आप क्या डिलीवर करोगे, वो चीज उस चीज को लेकर के आपको जो है स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। सातवां है पुअर लीडरशिप। अगर आपका बॉस सही नहीं है तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। जो लीडर है वो अगर सही तरीके से यू नो आपके साथ हेल्प नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर आपको छुट्टी की जरूरत है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है और आपको अर्जेंटली कोई काम करना है, तो स्ट्रेस होगा। राइट। सो पुअर लीडरशिप, इनएफेक्टिव एंड अनसपोर्टिव लीडरशिप कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉइज। अब ये बहुत ही मेजर चीजें हैं, ये अभी के टाइम में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अगर रहे हैं तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉमन है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जब भी आप नाम लोगे ये सारी चीजें होती ही हैं, हर जगह होती हैं, कहीं भी ये छोटा हुआ नहीं है, हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। सो दैट्स इट, अभी हम लोगों ने सी और डी किया है, थोड़ी देर बाद हम लोग वापस से ज्वाइन कर सकते हैं एट 8:45 आई थिंक, क्या कहना है आप लोगों का? चलेगा सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, यस सर, नो 8:45। प्रॉब्लम। ठीक है। ओके देन। सो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से रिज्यूम करते हैं। ठीक है। सो पीडीएफ में मैंने ओके शेयर सर, कर दिया है, MCO 1 का ये टॉपिक था। ठीक है ना। MCO 1 में आपको नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको दिखेगा पेज नंबर है 28, राइट, 28 है, एंड सी और डी हम लोगों ने अभी किया। ठीक है। सो दैट्स इट, वी विल मीट इन 8:45 शॉप। ओके ठीक है, बाय। ओके सर, ओके बाय।